कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। क्या परिस्थिति बनती है उसको देखकर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में नीतीश कुमार के लिए कभी भी दरवाजा खोल सकती है। अब ये संकेत जो है वो लगातार मिलने लगे हैं और बिहार भाजपा के बड़े नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे हैं, उन्होंने के भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से ये जरूर अनुरोध किया है कि नीतीश कुमार को वापस भाजपा में बुला लिया जाए और कहीं ना कहीं सहमति भी बन गई है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पहले हम आपको सुनाते हैं। सुशील जी क्या दरवाजे खुल गए हैं? मोदी जी क्या भाजपा का दरवाजा खुल गया? चेहरे ढक दो नीचे नीचे। सुशील जी क्या दरवाजा खुल गया है? देखिए बिहार के अंदर जो राजनीतिक परिस्थिति पैदा हो रही है निगाह रखे हुए और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो का नहीं आएगा पट्टी का माइक को इन चीजों के बारे में निर्णय लेता है, इसमें राज्य इकाई की कोई भूमिका नहीं है। वो लगातार मीडिया के अंदर जिस तरह की बातें आ रही हैं सारी चीजों पर हमारी निगाह बनी हुई है और उचित समय पर पार्टी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उचित निर्णय लेगी। उचित निर्णय कब तक हो जाएगा? नहीं, समय कम है। नीतीश कुमार क्या रहेंगे सर, या कुछ जो बातें हो रही थी? नहीं देखिए वो मुझे नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन मैंने आज दिल्ली में भी कहा था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। इसलिए तो समय आने पर सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं भी सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ तो भाजपा के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसकी जानकारी मुझे केवल टीवी के माध्यम से है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है, बीजेपी क्या निर्णय लेती है उस बदली हुई परिस्थिति में, वो समय आने पर उसकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। मोदी जी तो क्या अब दरवाजा खुलने का समय आ चुका है? मुझे पता नहीं समय आ चुका कि नहीं आ चुका, लेकिन मैंने इतना ही कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है, आवश्यकतानुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है। तब क्या स्थिति बनती है, क्या स्थिति बनेगी, वो समय बताएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए सारी चीज़ों। महाराष्ट्र की तरह सर बिहार में भी क्या सर विधायकों को छोड़ने की कोशिश होगी सर? नहीं, मेरे तो कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं विधायक थोड़ी हूँ, मैं तो राज्यसभा के अंदर हूँ। लेकिन ये सब तो आगे की बात है, मीडिया स्पेकुलेट करता रहता है। उसे मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या परिस्थिति बनती है उसको देख कर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा। और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे। साफ तौर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने साफ इशारों में जरूर कहा है कि राजनीति में अगर दरवाजे बंद होते हैं तो दरवाजे खुल भी सकते हैं जरूरत के अनुसार। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की ओर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, ये सुशील मोदी ने इशारों में जरूर कह दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं डील फाइनल हो चुकी है और नीतीश कुमार अब जल्द ही भाजपा के साथ मिलकर बिहार की सरकार बनाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।